झूम के निकले हैं दीवाने, झूम के निकले हैं दीवाने, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। थोड़ा ही को बंद करिए। आज आप लोग इस देश को बनाने की बात करने वाले हम यूनिवर्सिटी और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। आज हम इस देश के सिस्टम और एम्प्लॉयमेंट को समझने वाले बच्चे हैं। आज हम इस देश की संस्था को, संविधान को अपनी रक्षा करने वाले बच्चे हैं। तुम जो कहते हो कि एंटी रोमियो स्क्वाड चलाएंगे, तुम जो कहते हो कि लज्जा के खिलाफ लड़ाई चलाएंगे, हम कहते हैं कि भाड़ में जाए लज्जा, हम कैसे हम खुल के कहेंगे आई लव यू हमारे बच्चे हमारे पूर्वजों। आप कहीं पे आपकी आपकी आंखें इतनी मजबूत होती है कि फ्रिज में रखी अखलाक के घर का आपको घोष दिख जाता है। फ्रिज में रखी आपको अखलाक के घर का घोष दिख जाता है। कहीं पे आपको बुराई और अच्छाई नजर नहीं आती। मोदी जी, अगर अगर मेरे भाइयों आपका मूड कभी खराब हो, आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, तो आप सबसे पहले देखिएगा चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूट्यूब पे, फिर देखिएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एक किसी की दो पहलू। मन की बात, मन की बात, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया एक इंसान के अंदर इतना मन कैसे हो सकता है। हम करेंगे मन की बात, हम बताते हैं, हम मनाएंगे संपूर्ण भारत, हम मनाएंगे अपने घर के आगे मंदिर, वहां पे मस्जिद भी होगी, मंदिर भी होगा, गिरजाघर भी होगी, वहां पे अजान भी होगी, राम का नाम भी लिया जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन तुम लोग इस देश का विभाजन करने वाले हो। आपको याद हो या ना याद हो, मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब 1942 में एक सरकार थी, एक सरकार थी जिसका नाम ब्रिटिश सरकार थी, जब उसने आंदोलन को बढ़ाया, जब हिंदुस्तानियों ने आंदोलन को बढ़ाया, उसने देश के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। तो अगर कोई इस आंदोलन को थामने वाला था तो ये क्लासरूम की बेंचों पे बैठने वाले बच्चे ही थे। तुम गलत से गलत जगह घुस गए। तुम्हें समझ नहीं आया कि तुम रोड पे मार दोगे, तुम तिरंगा फहराने पे अपना भगवा झंडा लेकर के जाओगे और कहोगे ये फहराओ ये फहराओ। अब तुम गलत जगह घुसे हो। ये पढ़ने वाले बच्चे ये जानते हैं, इफ यू नो द हिस्ट्री देन यू क्रिएट द हिस्ट्री। अगर आप इतिहास जानते हैं तो आप इतिहास बनाएंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, जो इतिहास की समझ नहीं रखते उन्हें इतिहास बना देता है। आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका इतिहास क्या है। जब ये नरेंद्र मोदी जी ये कहां से सीख करके आए, ये कोई कहा था जॉर्ज डब्ल्यू बुश कहा था कि हमें गटन गटन की एक थ्योरी थी कि हमें अगर दुनिया में सिविलाइजेशन करना है तो हमें एक अपना विरोधी तैयार करना पड़ेगा। उसने कहा था सबको ढूंढ डांट के उसने तैयार किया इस्लामोफोबिया, क्योंकि इस्लाम के साथ एक दिक्कत थी, जहां इस्लाम था वहां तेल था। उसने कहा ईस्ट वर्स इस्लाम, वेस्ट वर्स इस्लाम, फिर उसने कहा जाते हैं। एक देश का प्रधानमंत्री,
हम ये दो पीढ़ी राजनीति नहीं करने देंगे। अगर कश्मीर में कोई बवाल होता है तो आप पहले एकदम चलाते हैं, अगर किसी नेता के ऊपर पथराव होता है तो आप कहते हैं हम उसके ऊपर निंदा करते हैं। बाहर में गई आपकी निंदा। आपने जेएनयू में हाथ डाला, अब एएमयू में हाथ डाल दिया। आप ध्यान रखना 2019 का चुनाव आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ट्रेंडर में से 2019 निकलवा दे। नरेंद्र मोदी जी आएंगे आगे जनता के आगे, यही बच्चे बताएंगे ना मुझको हिंदू चाहिए, ना मुझको मुसलमान चाहिए, मुझको मेरा हिंदुस्तान चाहिए। आपने जो देश को बर्बाद किया है सब एक एक पर का हिसाब लिया जाएगा, आपसे एक एक चवन्नी का हिसाब लिया जाएगा। बराक ओबामा के साथ बैठ के जो आपने सोने से मोदी मोदी लिखवाया था उसका भी हिसाब लिया जाएगा। अपनी बीबी को आपने वहां छोड़ा और अमेरिका में प्रियंका चोपड़ा के साथ सेल्फी लेने, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी के साथ सेल्फी लेने वाले, अपनी बीबी को वहां छोड़ने वाले, हर चीज अधिकारी या सच्चाई छोड़कर आता है हर जगह, वो बुराई छोड़ के दूसरों की औरतों की हक की बात करता, सोचता दुनिया में जो खुद की लुराई छोड़ के। हम पूछेंगे, हम हर जवाब पूछेंगे। मोदी जी ये देश आपके बाप का नहीं है, ये योगी जी ये देश आपके बाप का नहीं है, ये मेरे बाप का देश है। आपके कितने बापों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, सरकार ने लिख करके दिया था कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से माफी मांगते हैं, वो माफी मांगने के बाद फिर आपने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जी को लिख करके दिया था कि हम आपके फिर से तलवे चाटते हैं, हमने तलवे नहीं चाटे, अगर जरूरत पड़ी तो इस देश की हर जेल को भरने के लिए तैयार है।